भारतीय परंपरा और हिंदू धर्म में विविध किस्म की मान्यताएं श्रद्धालु लोगों में देखने को मिलती है। ऐसी मान्यताएं हर प्रांत और देश और राज्य में विभिन्न विभिन्न होती है। ऐसा करने से अगले जन्म में राजा का पद मिलता है, जैसे कि काशी जाकर करवट से सिर कटवाना, गंगा नदी में जल समाधि लेना। ऐसी ही एक मान्यता गुजरात में गिरनार पर्वत के भैरव जप नामक पत्थर के लिए देखने को मिलती है। जो आदमी इस पत्थर पर से छलांग लगाकर मौत को भेटता, उसको मनवांछित फल मिलता है या अगले जन्म में राजा पद मिलता है, ऐसा बहुमत लोग मानते हैं। भैरव जप का अर्थ अलग अलग किया जाता है। भयंकर छलांग लगाना, जोखिम वाला काम में अंधा होकर कूद पड़ना, राजपद प्राप्त करने का पत्थर, इच्छा पूर्ण करने वाला पत्थर। भैरव जप के पत्थर पर से जो लोग छलांग लगाकर अपना प्राण देते थे, उसको गुजराती बोली में भैरव जप खाया कहा जाता है। भैरव जप का पत्थर के पास गौमुखी गंगा की बाएं तरफ के रास्ते से जा सकते हैं। यह सेवादास जी की जगह के पीछे का भाग में है। ये पत्थर डूंगर पर भयानक और सबसे बड़ा ऊंचा दिखता है। भैरव जप की ऊंचाई करीब 50 फीट और 50 फीट चौड़ाई के है। उसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। नवाबी के वक्त में ऊपर चढ़ने के लिए एक लोहे की सांकल रखी जाती थी। ऊपर चढ़ने से चक्कर आने लगते हैं। कमजोर आदमी तो उसके ऊपर से नीचे देखते ही गिर जाता है। भारतीय लेखकों ने उसको भैरव जप नाम दिया गया है, लेकिन परदेशी लेखकों ने उसको भारतीय मॉन्स्टारपिया कहा है। यह मॉन्स्टारपिया पर्वत पुराना रोम शहर में है। यह पर्वत पर से गुनहगारों को फेंक दिए जाते थे। भैरव जप पर से किसी को फेंक नहीं दिया जाता, लेकिन वह खुद ही मरने के लिए आते रहते थे। इसीलिए राजाशाही के वक्त में सौरठ सरकार ने इस पत्थर के ऊपर जाने से सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी अनपढ़ और श्रद्धालु लोग चुपकीदी से वहां चले जाते और वहां से अपना प्राण त्याग करने का किस्से बहुत से मिलते हैं। मेरा गिरनार के बारे में संशोधन से पता चलता है कि गिरनार पर्वत पर भैरव जप खाया अपने गुजरातियों में से सबसे ज़्यादा काठियावाड़ी लोगों ने भैरव जप खाया है। कर्नल टोड लिखता है कि भैरव जप खाने वाला लोग उच्च वर्ग के होते नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते जो साधारण पुरुषार्थ किए बिना जीवन में ऊंचे चढ़ने का मकसद रखने वाले थे। विलियम्स 1812 में गिरनार आए थे, तब 12,000 यात्री के संघ में से एक आदमी ने भैरव जप खाया था। 1865 में एक कुणबी ने भैरव जप खाया था। रेबारी भी आए थे, उसको सौरठ सरकार के तंत्र के चौकीदार ने रोक दिया था। 1872 में राधनपुर का गज संघ हरखाजी भैरव जप खाने के लिए गिरनार आए, लेकिन सौरठ सरकार का चौकीदार ने उसको पकड़ लिया और न्यायालय को सौंप दिया था। बाद में
बाबी रियासत ने रियासत के हर गांव में भैरव जप नई खाने के बारे में एक सर्कुलर भेजा था और लोक जागृति का कार्य किया था। चलाला के कांजी भूटा बारोट ने भैरव जप नामक एक कहानी लिखी थी। उसमें राजवदर का हका डोसा और 18 ढोली ने अनिच्छा से भैरव जप खाया था।